दोस्तों क्या आप जानते हैं आदमखोर उन जानवरों को कहा जाता है जो इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आखिर जानवर ऐसा करना क्यों शुरू कर देते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर जानवर आदमखोर तभी बनते हैं जब वो अपना स्वाभाविक शिकार करने के लायक नहीं रहते। जैसे कि अगर किसी जानवर के आगे का दांत टूट जाता है तो वो अपने नॉर्मल शिकार करने के लायक नहीं रहते। अगर वो जब भी किसी जीव को पकड़ते हैं तो वो उस पर पकड़ नहीं बना पाते। शिकार करने के लिए इनके दो आगे के दांत ही मुख्य माने जाते हैं। जब भी ये किसी जीव को पकड़ते हैं तो इन्हीं दोनों दांतों की मदद से उसकी गर्दन दबाकर उसकी सांस की नली को रोक देते हैं और इनका शिकार आसानी से इनके कब्जे में आ जाता है। पर इनके ये दो दांत टूट जाते हैं तो ये जानवरों पर पकड़ नहीं बना पाते और लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से इंसानों का शिकार करना इनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इंसानों में जानवरों जैसी ताकत तो होती नहीं है। इंसान जल्दी ही इनके कब्जे में आ जाते हैं और फिर ये सब करने में इन आदमखोर जानवरों को मजा आने लगता है और ये इंसानों पर ही निर्भर हो जाते हैं। इसी वजह से इन जानवरों को आदमखोर कहा जाता है।